बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बीजेपी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी का कहना है कि सीएम गहलोत 7 गारंटियों के पंजीकरण के नाम पर वोटर्स को प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं। इस तरह से योजनाओं का प्रलोभन देकर पंजीकरण करवाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस गारंटी के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से कांग्रेस फिर 7 गारंटी का मैसेज लिखकर आमजन से इन योजनाओं में पंजीकरण करने की अपील की थी, जिसके लिए सीएम ने मिस्ड कॉल नंबर भी जारी किया और साथ ही उन्होंने लिखा, अगर इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो 8587070707 नंबर पर मिस्ड कॉल करके जल्द से जल्द पंजीकरण करवाए। बीजेपी ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी पर कार्रवाई करने की मांग की है। प्रतिनिधि मंडल में शामिल बीजेपी प्रबुद्ध जन प्रकोष्ठ के संयोजक राजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ऐसी कोई योजना जिससे मतदाताओं का वोट लेने के लिए उन्हें प्रलोभन दिया जा रहा है, वे नियमों के खिलाफ है। यह आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के साथ ही भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। बता दें, प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश संयोजक सुरेंद्र सिंह नरूका और सह संयोजक देवांग चतुर्वेदी भी शामिल है। चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद 9 अक्टूबर को राजस्थान में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। प्रदेश में कांग्रेस सरकार को रिपीट करने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने पिछले दिनों 7 गारंटियां दी। इन गारंटियों के जरिए सीएम अशोक गहलोत ने ऐलान किया कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है तो हमारे द्वारा जारी की गई 7 गारंटियों का लाभ प्रदेश के हर परिवार को दिया जाएगा। सीएम गहलोत की ओर से दी गई गारंटियों से बीजेपी को ऐतराज हो गया और इस दौरान बीजेपी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता से मिलकर सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बीजेपी नेताओं का कहना है कि मतदाताओं को लालच देकर इस तरह की गारंटियों की घोषणा करना आचार संहिता का उल्लंघन है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ, शुक्रिया।